चारा घोटाला से जुड़े एक मामले में जमानत मिलने के बाद लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आ चुके हैं। गुरुवार को लालू यादव का बेल बॉन्ड भरा गया और तमाम अदालती प्रक्रिया पूरी करने के बाद लालू जेल से बाहर आ गए। हालांकि अभी वह दिल्ली एम्स में अपना इलाज करा रहे हैं और एम्स से छुट्टी मिलने को लेकर आज डॉक्टरों को फैसला करना है। माना जा रहा है कि लालू यादव आज एम्स से बाहर आ सकते हैं। उनके मीसा भारती के आवास पर पहुँचने की पूरी संभावना है। ये खबर पहले ही आ चुकी है कि लालू यादव 30 अप्रैल को पटना आ सकते हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आज राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पटना आते हैं कि नहीं। इससे पहले लालू यादव का बेल बॉन्ड रांची में भरा गया। रांची हाईकोर्ट की तरफ से जमानत मिलने के बाद बुधवार को उनकी कॉपी सिविल कोर्ट में पहुंची। कोर्ट ने 10 लाख के जुर्माने की राशि जमा करने का निर्देश दिया था और रांची के ही रहने वाले दो लोगों ने लालू यादव की जमानत दी है। लालू यादव के जमानतदार सुखदेव नगर होटल के हेलल के रहने वाले रंजन कुमार और अंजन किशोर बने हैं। झारखंड में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह ने दोनों जमानतदारों की पहचान की है। बेल बॉन्ड की प्रक्रिया पूरे होने के बाद कोर्ट के आदेश की जानकारी एम्स को भेज दी जाएगी। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कल आ रहे हैं कि नहीं। आपको बता दें कि 2.5 महीने पहले लालू यादव को डोरंडा ट्रेजडी से अवैध निकासी के मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई थी। निचली अदालत ने लालू को 5 साल की सजा सुनाई। उसके बाद लालू यादव जेल भेज दिए गए। लालू यादव 2 महीने 13 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहे। 22 अप्रैल को रांची हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह को अदालत ने लालू यादव को जमानत दी। लालू यादव को जमानत देने के लिए कोर्ट ने सजा की आधी मियाद पूरी कर लेने को सही पाया। तो 30 अप्रैल को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पटना आ सकते हैं। देखने वाली बात होगी कि अब बिहार के राजनीति में जिस प्रकार से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की एंट्री होने वाली है, तमाम अटकलें जो है वो चल रही हैं। तेज प्रताप यादव का प्रकरण अलग से चल रहा है, तो इन तमाम मुद्दों पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव किस तरीके से निपटारा करेंगे। डोरंडा ट्रेजडी मामले में जमानत मिल गई है, कहीं ना कहीं राजद परिवार में इसको लेकर के खुशी ज़रूर होगी।